से शिमला विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के समस्त बूथ लेवल ऑफिसर्स सुपरवाइजर्स उनको बुलाया गया है। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश अनुसार जो आगामी मतदाता सूचियों का पुनर्निरीक्षण होने जा रहा है उसके दृष्टिगत प्री रिविजन एक्टिविटीज का शेड्यूल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जारी किया है जो 21 जुलाई से 21 अगस्त के बीच होगा। इसमें समस्त बूथ लेवल ऑफिसर्स अपने अपने मतदान केंद्र पर हाउस टू हाउस विजिट करेंगे। इसमें कमीशन के दिशा निर्देश अनुसार डिफरेंट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। इसमें जो अनएनरोल्ड एलिजिबल सिटीजन्स है हु आर एलिजिबल ऑन 1 अक्टूबर 2023 उनके नाम मतदाता सूची में दर्ज होंगे और प्रोस्पेक्टिव इलेक्टर्स प्रोस्पेक्टिव जो भावी मतदाता है जो अभी जो इस डेट को जो है एलिजिबल नहीं हुए उनके नाम भी वो कलेक्ट करेंगे समस्त बूथ लेवल ऑफिसर्स। और दूसरे जो मतदाता है जिनके नाम अपमार्जित करने हैं जो यहाँ से ट्रांसफर होके चले गए हैं या मर गए हैं या शादी होके करके जो है यहाँ से किसी अन्यत्र दूसरे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में पलायन कर गए हैं उनके नाम मतदाता सूचियों से अपमार्जित होने हैं। तो मतदाता सूचियों की घर घर जाकर ये सत्यापन होगा बूथ लेवल ऑफिसर्स के द्वारा। तो ये समस्त बूथ लेवल ऑफिसर्स एक महीने का जो अंतराल है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा शेड्यूल जारी किया है उस अवधि के अंतराल में ये सत्यापन सुनिश्चित करेंगे। जो हमारी मतदाता सूची है जो आगामी फोर्थकमिंग लोकसभा इलेक्शन है उसके लिए एरर फ्री एक्यूरेट ताकि बने ताकि जो विधान लोकसभा निर्वाचन है वो जो है फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट हो सके।